मार्च से शुरू होगी दिल्ली के स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया। तैयार रखें ये दस्तावेज। राजधानी के सर्वोदय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2024 से 25 में नर्सरी, केजी और पहली में दाखिले को लेकर आवेदन प्रक्रिया 1 मार्च से शुरू होगी, जो कि 15 मार्च तक चलेगी। अभिभावक अपने बच्चे का दाखिला कराने के लिए संबंधित स्कूल के प्रधानाचार्य से संपर्क कर सकते हैं। निदेशालय ने कहा कि जो अभिभावक अपने बच्चे का दाखिला कराना चाहते हैं, प्रधानाचार्य उन्हें स्कूल के समय के दौरान आवेदन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे। वहीं स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड के पास भी आवेदन फॉर्म रहेंगे, ताकि अभिभावक स्कूल के गेट पर उनसे फॉर्म ले सके। निदेशालय ने स्पष्ट किया कि केवल दिल्ली के रहवासी ही इन स्कूलों में आवेदन कर सकते हैं। वहीं आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि होगी तो स्कूल 19 मार्च को इसकी सूची चस्पा करेंगे। अभिभावक 19 व 20 मार्च को स्कूल पहुंचकर आवेदन फॉर्म में त्रुटियों को दूर करा सकते हैं। स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समिति की उपस्थिति में 21 मार्च को ड्रॉ आयोजित किया जाएगा और 22 मार्च को स्कूलों के नोटिस बोर्ड पर चयनित विद्यार्थियों की सूची चस्पा की जाएगी। 1 अप्रैल तक चलेगी दाखिला प्रक्रिया। 23 मार्च से दाखिला प्रक्रिया शुरू होगी, जो कि 1 अप्रैल तक चलेगी। अगर कोई सीट खाली रह जाती है तो प्रतीक्षा सूची से 2 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल के बीच सीट भरी जा सकती है। निदेशालय ने स्पष्ट किया कि अगर दिव्यांग व अनाथ विद्यार्थियों के पास दाखिले से संबंधित जरूरी दस्तावेज नहीं है तो स्कूल उनका दाखिला लेने से मना नहीं कर सकता है। प्रोविजनल दाखिले की होगी अनुमति। ऐसे विद्यार्थियों को अभिभावकों की ओर से सादे कागज़ पर शपथ पत्र लेकर 30 दिनों के लिए प्रोविजनल दाखिले की अनुमति होगी। विद्यार्थियों के दस्तावेज बनवाने में स्कूल प्रबंधन समिति SMC के सदस्य मदद करेंगे, ताकि विद्यार्थियों के अंतिम प्रवेश को नियमित करा सकें।